हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बहुत बहुत स्वागत है किरण्स कुक बुक में। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है अरबी के पत्तों की ही सब्जी है की रेसिपी है, जो कि बहुत अलग तरीके से बनाएंगे, बहुत यूनिक वे से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और सुपर स्वादिष्ट अरबी के पत्तों की सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अरबी के पत्ते लिए हैं और इन्हें मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। तो सबसे पहले इसकी मोटी वाली डंडियाँ निकाल देते हैं और इसे रफली चॉप कर लेते हैं। तो इसे पतला थोड़ा काटे और इसे रफली चॉप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब इस तरह से काटना है, आप रफली इसे चॉप कर ले। तो फ्रेंड्स, अभी मार्केट में ये काफ़ी अवेलेबल हैं और बरसात के सीज़न में इसे बनाकर खाएं, ये हेल्दी भी बहुत होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस पत्तों में पाई जाती हैं जो अन्य सब्जियों में नहीं मिलती है, तो इसीलिए ये एक सुपर फूड भी कहा जाता है। तो बस इसे बनाकर बरसात में तो ज़रूर खाएं। तो बहुत लोग इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी झंझट होती है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने अरबी के पत्तों में ये मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं, वो मैंने डाल दिया, दो बड़े बड़े आलू को बॉयल किया था वो इसमें डाल दिया और इसमें मैंने कटे हुए प्याज, मिर्चा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक डाल दिया और साथ में ही इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी मैंने डाला था खट्टेपन के लिए। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़े से नींबू या थोड़ा सा इमली का रस भी डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि अरबी के पत्तों में ना थोड़ी सी कभी कभी ऐसा होता है कि इन पत्तों की सब्ज़ी या कुछ भी बनाकर खाएं तो गले में थोड़ी सी खुजली महसूस होने लगती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर आप थोड़े से खटास का ज़रूर उपयोग करें। और साथ ही मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा बेसन, बेसन मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बेसन का उपयोग मैंने नहीं किया है, बस बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बेसन डाला है मैंने। और इसे बस इस तरह से मिक्स करके इसे एटलीस्ट 15 मिनट के लिए लीव कर देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं जिसमें लहसुन है, सरसों है, धनिया का पाउडर है, हल्दी है, मिर्च है और टमाटर है। तो बस इन सबों को, सब मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर एक पैन को गर्म कर लिया जिसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया। अब जो मैंने ये बैटर बनाया था ना, जो पत्तों को मैंने मिक्स करके बनाया था, तो उन पत्तों को आप टिक्कियों के आकार में डालकर, आप डीप फ्राई भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे शैलो फ्राई ही किया। और इसे अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से, बहुत अच्छे से इसे सेक लेंगे। तो आप इसे पकौड़ी के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे, लेकिन हम मुझे सब्जी बनानी थी तो मैंने इसे शैलो फ्राई ही किया। और इन टिक्कियों को बहुत अच्छे से उलट पलट कर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये सिक गए, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है और स्वाद तो बहुत बेहतरीन बनने ही वाली है। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरह सबों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा तेल था तो मैंने इतने ही तेल में फ्राई कर लिया, जो बाकी थे उन्हें भी मैंने इसमें डालकर बस इतने ही तेल में मैंने इसे भी फ्राई कर लिया। सभी के फ्राई होने के बाद मैंने फिर से पैन में थोड़ा सा तेल डाला, सरसों का तेल ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और प्रेफर कीजिए कि आप इस सब्जी को सरसों के तेल में ही बनाएं, क्योंकि सरसों के तेल में ही इसकी सब्जी जो है ये बहुत अच्छे स्वाद के साथ निखर कर आती है। तो यहाँ के सरसों के तेल जैसे ही वो गर्म हो गया, मैंने इसमें फ़ौरन के तौर पर थोड़े से सरसों के दाने डाल दिए और इसे चटकने देते हैं। ये जैसे ही चटक गया तो मैंने जो मसाले पीस कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे और जो मिक्सर में लगे हैं उसमें भी पानी डालकर इन मसालों को सभी को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से इस मसाले को पका लेंगे। इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और भी कुछ चीज़ें जाएंगी जो आप सब्ज़ी बनने के बाद डालिए, अभी नहीं डालना है उन सभी चीज़ों को। तो बस मसाले मैंने डाल दिया, अब इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया
और रेगुलर चलाते रहेंगे जिससे कि मसाला जले नहीं। और देखिए अब मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसे और थोड़ा सा भूनेंगे जिससे कि जब तक मसाला अच्छा से नहीं पकता, कोई भी सब्जी हो, सब्जी बहुत स्वादिष्ट नहीं बनती है। तो इस पर खास ख्याल रखना चाहिए कि मसाले बहुत अच्छे से भुने हुए होने चाहिए, जलने भी नहीं चाहिए और कच्चे भी नहीं रहने चाहिए। तो बस देखिए ये मसालों ने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया और खुशबू भी अच्छे से आने लगी है। तो बस हमें थोड़ा सा और इसे भून लेना है। तो देखिए मसाले भून गए। मैंने यहाँ ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया। और इस ग्रेवी में उबाल भी आने लगी तो फिर मैंने इस पत्तों को भी इसमें डाल दिया और इसे बहुत अच्छे से थोड़ा सा उबलने देंगे, क्योंकि ये जो पकौड़े हैं, जो पत्तों के पकौड़े हैं, वो ठंडे होने पर ना ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और ग्रेवी को बहुत ये सोख भी करेंगे। तो ये बड़े से भी हो जाएंगे और बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी से हो जाएंगे, ग्रेवी का टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। तो बस इसे थोड़ा सा 3 से 4 मिनट तक हम इस ग्रेवी के साथ उबलने देंगे। और अभी आप यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से नींबू का रस भी डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया जिससे कि स्वाद अच्छा आए। और जो कि पत्तों में अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी खराश हो तो वो बिल्कुल ना आए, ग्रेवी का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। चावल के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ।